हेलो एवरीवन एंड हेलो वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। जी, मैं हूँ हमजा। मैं हूँ अब्बास। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हम अपने फैन के रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। वो बिल्कुल हमें बार बार रिक्वेस्ट करें, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी हम वो हमें करते हैं। बिल्कुल उसका नाम है शाह आलम। वो आपको कमेंट उनका मेंशन भी हो रहा होगा, बिल्कुल तो वो हमारे साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर करते हैं। लेकिन आज की हाँ जो वीडियो उन्होंने शेयर की है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। एक नई सिटी है, बिल्कुल तो इस सिटी का नाम जो है वो है किशोरगंज। किशोरगंज। अच्छा, हाँ किशोरगंज नाम बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल हाँ है क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई सिटी है ना, हमें तो ये इस पता वजह भी नहीं था से कि बांग्लादेश में ऐसी एक सिटी बिल्कुल। है। तो इसका नाम हमने फर्स्ट टाइम सुना है और हमें ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो आज हम हाँ इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कि किशोरगंज सिटी जो है वो किस तरह है, ग्रीनरी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इंडस्ट्रीज के हवाले से ये सिटी जो है ये कैसी है। हाँ तो ये जो रिक्वेस्ट है हमारे फैन शाह आलम ने की है, तो हम उसको भी थैंक्स बोलते हैं। हमें इसी बिल्कुल, तरह अच्छी अच्छी थैंक यू। वीडियो सजेस्ट करते रहें। तो हम लोग वैसे बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ पे रिएक्ट कर चुके बिल्कुल हैं, जिसमें ढाका, चिटागोंग जो मेन मेन सिटी है उस पर तो हम लोग वैसे भी कर चुके हैं। और इस तरह जो छोटी छोटी और सिटी है, जिस तरह पंचागढ़ या ठाकुर गांव हो गया, बिल्कुल, उन पे भी हम लोग रिएक्ट कर डिस्ट्रिक्ट है चुके हैं। हाँ वो। डिस्ट्रिक्ट जो है, तो आज जो है हम लोग किशोरगंज पे रिएक्ट करेंगे और किशोरगंज देखेंगे कि वो किस तरह है। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें बिल्कुल और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस पर रिएक्ट करते बिल्कुल। और रहें। हमने दो प्लेलिस्ट बनाए हैं स्पेशली आपके हाँ लिए, एक बांग्लादेश के नाम से और एक बांग्लादेश सिटी के नाम से, हाँ तो वो दोनों आप जरूर विजिट करें। वहाँ पे आपको बहुत सारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल वीडियोस मिल जाएंगी। जाएंगी और हमारी रिएक्शंस मिल जाएंगी उन पर। तो चलो गाइज ये वीडियो शुरू करते हैं और आज देखते हैं किशोरगंज के, बांग्लादेश की जो सिटी किशोरगंज है वो किस तरह है। तो लेट्स गो गाइज, शुरू करते हैं। अच्छा ये भी ग्रीन सिटी है। हाँ, बांग्लादेश की सारी सिटीज ग्रीन है। हाँ बिल्कुल, बट कुछ थोड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जो हाँ बड़ी बड़ी हैं, और ये कुछ बिल्कुल, जो ये ग्रीन रोज के, वाओ काफी प्यारी सिटी हाँ है। बिल्कुल, एक लोकल टाइप सिटी है लेकिन हाँ अच्छा लुक दे रही है, प्यारी सिटी है। बिल्कुल, एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ है, तो हाँ इस वजह बिल्कुल से इसका लुक बहुत जबरदस्त आ रहा है। बिल्कुल, ग्रीनरी और सब कुछ काफी ज्यादा है। मस्जिद बनाया हाँ है यहाँ, बिल्कुल, प्ले ग्राउंड ग्राउंड है बनाया है बिल्कुल। मेरे ख्याल में, इस पे काम चल रहा है। हाँ शायद कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी। हाँ, इसमें क्या इस तरह वो बने हुए हैं, ये वो भी वो मिट्टी के वो ढेर होते हैं स्पॉट्स ना। काफी प्यारा बिल्कुल, था। अच्छा ये ड्रोन चला रहे हैं हाँ वो बिल्कुल, बंदे। वो कर रहे राइस हैं, राइस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हाँ कर रहे बिल्कुल, हैं। हम लोगों ने एक वीडियो में राइस देखा था कि कल्टीवेशन राइस है जो है वो। वो बांग्लादेश फोर्थ नंबर पे मेरे ख्याल हाँ से बहुत एशिया में। ज्यादा है, एशिया एशिया में इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। हाँ बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड बिल्कुल, लैंड है। और राइस कल्टीवेशन जो है बहुत मुश्किल भी हाँ है ये। बिल्कुल, ये कोई स्कूल कॉलेज वगैरह हाँ लग रहा है स्कूल या सब कुछ यूनिवर्सिटी लग रहा होगी है। कोई। काफी वाह, प्यारे और हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस भी कुछ हाँ दिखाए हैं इसमें। येलो शर्ट वाले बंदे मेरे ख्याल हाँ से ड्रोन बिल्कुल, को चला रहे हैं। काफी प्यारी सिटी है बिल्कुल बहुत लाइक। जबरदस्त सिटी हाँ है। बंदे को भी क्रेडिट जाता है, इन्होंने इतनी प्यारी वीडियो बनाई है इस बिल्कुल, सिटी की। तो गाइस यहाँ तक की रही वीडियो, और वीडियो तो छोटी थी बट काफी अच्छी बिल्कुल थी, बहुत काफी ज्यादा जबरदस्त प्यारी भी। अट्रैक्टिव हाँ सिटी मेरे है ख्याल से बिल्कुल। ये सिटी भी छोटी ही होगी, इतनी हाँ बड़ी नहीं बिल्कुल होगी, लेकिन जितनी भी थी बहुत ज्यादा ग्रीन और बहुत ज्यादा प्यारी सिटी थी और एक खूबसूरत बिल्कुल, लुक दे जितने रही थी। व्यूज दिखा रहे हैं तो इससे हाँ तो साफ जाहिर है कि ये एग्रीकल्चर के हवाले बिल्कुल से जो है बिल्कुल एक अच्छी सी सिटी होगी। बिल्कुल, जिस तरह हम लोगों ने पंचागढ़ या ठाकुर गांव देखा था, बिल्कुल ठाकुर गांव तो नहीं स्पेसिफिकली, जो पंचागढ़ था वहां पे जो एक कल्टीवेटेड लैंड जिस तरह इसमें था, ये किशोरगंज में इसी तरह बहुत बिल्कुल, ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड था।
और बाकी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, वैसे जो सिटी का डिजाइन जो था वो प्यारा था। लाइक बिल्कुल जिस बहुत तरह लुक्स दिखा जबरदस्त। रहे थे, जिस तरह रोड से और ऊपर से जिस तरह सिनेरियो दिखा रहे थे, तो वो काफी प्यारा था। मुझे तो वो ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल एग्रीकल्चर के हवाले से और हाँ सिटीज भी इनकी बहुत मशहूर है, बिल्कुल। बहुत फेमस है, और ये जो है सारा काम जो है हाँ इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्री से ही इंडस्ट्री वो से ले चला रहे रहे हैं। हैं। ये सिटी इस तरह नहीं लग रही थी जैसे अनप्लैंड हो, या बिल्कुल इस तरह लग रही जैसे प्लानिंग के साथ बनी हो। बिल्कुल घर भी इतने ज्यादा नहीं थे, बिल्डिंग्स भी इतनी ज्यादा नहीं थी, एक प्यारा सा माहौल बना हुआ था, बिल्कुल जैसे एक लोकल सा लुक दे रहा था। तो ये लोकल लुक जो है अक्सर बहुत लोकल ज्यादा लुक प्यारा बहुत लग जाता जबरदस्त है और होता है, बहुत अच्छा होता बिल्कुल है। बंदे को हाँ अट्रैक्ट करते बिल्कुल, हैं। बंदे को अट्रैक्ट करता है। और जिस तरह ये लोग कल्टिवेटेड, जिस तरह आपने बात की, तो ये कल्टिवेशन पे ज्यादा फोकस, जो एक सिटी थी बिल्कुल जहाँ पे कल्टिवेशन होती है और जहाँ पे जो है ये लोग ज्यादा लैंड को, जो कल्टिवेटेड लैंड ही रख रहे हैं, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं बना रहे ताकि बिल्कुल कल्टिवेशन ज्यादा होती रहे। तो थैंक यू फिर से जो साहाला में उनको इतनी प्यारी सिटी हमें सजेस्ट करने के लिए। और किशोरगंज तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा बिल्कुल लगा। बहुत जबरदस्त प्यारी प्यारी ग्रीनरी, सिटी बिल्कुल थी, ग्रीन ग्रीन सिटी सिटी थी, थी। एनवायरनमेंट हाँ साफ था एनवायरनमेंट इसका। बहुत साफ था, काफी प्यारी सिटी थी। और हमारा ये रिएक्शन था, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप जरूर बिल्कुल लाइक जरूर करें, लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो स्पेसिफिकली यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, और अगर इस तरह कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस हो आपके साथ सिटीज से या इकोनॉमी के हवाले से, बिल्कुल तो आप हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सजेशन किए हैं, तो हाँ हम कोशिश करें कि सारों की जो सजेशंस सजेशंस है है उन उनको पे भी मतलब रिएक्ट रिएक्ट करें। करें। बिल्कुल तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ फिर भी आप हमें और भी सजेशन दें, हम हम वो लोग अपने साथ लिस्ट में नोट नोट करेंगे, करेंगे बिल्कुल और आपकी वीडियो पर हम जरूर रिएक्ट जरूर रिएक्ट करेंगे। करेंगे। तो गाइज यहाँ तक थी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गुड बाय।